हेलो बच्चों, हेलो पेरेंट्स, किड्स कैरी क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। किड्स कैरी की ये नर्सरी यानी कि प्ले के बाद प्ले नर्सरी मिक्स क्लास चल रही है। तो आज की क्लास में मैं बच्चों को बताऊंगी, इससे पहले बच्चों को मैंने पेंसिल पकड़ना सिखाया, पेंसिल को बच्चों को कैसे पकड़ना है, कैसे स्क्रलिंग करना है, सब कुछ बताया उसमें, क्योंकि बच्चे के हैंड्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो उस वीडियो के बाद मैंने ये वीडियो लाया, इसमें अब बच्चों को लाइन कैसे खींचवाना है, कैसे उसको प्रैक्टिस करवानी है। तो देखिए, मैंने एक वर्कशीट बनाई है। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, जब अगर आपको हमारी नर्सरी क्लास ये जो हमारी चल रही है वर्कशीट वाली अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, बच्चों के लिए हमने ये वर्कशीट बनाई है। इसमें आप देख रहे हैं मैंने एक पिक्चर बनाया सन का और डॉट डॉट लगा रखा है। एक गर्ल्स का बनाया है, अम्ब्रेला है, वहाँ भी डॉट है, डॉट है। अब आप पूछ रहे हैं कि डॉट इतना आपको भी लग रहा होगा, डॉट में हमने इतना क्यों दिया है। स्टार्टिंग में बच्चों को हम डॉट के साथ ही करवाएंगे, क्योंकि अगर हमने स्टार्ट कर दिया बच्चों को एक ही बार लिखवाना तो बच्चा उग जाएगा, क्योंकि ये लर्निंग क्लास है, इसमें बच्चों के साथ पेशेंस के साथ में काम कराना होगा। धीरे धीरे उन्हें खेल खेल में मैं सिखाना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये बच्चे को पहले बोलिए, इस तरह से पिक्चर बनाने के लिए बोलिए, बनाकर आप दीजिए। पेरेंट्स, हमारी वर्कशीट पर बनी हुई है ये पिक्चर, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे सूरज की रोशनी निकल रही है ना, तो डॉट डॉट दे देंगे और बच्चे को बोलेंगे इसको आपको मैच करना है सारे डॉट्स को। तो चलिए हम स्टार्ट करते मैच करना। इसमें हमने ऐसे मैच किया, इसी तरह से नेक्स्ट जो जितनी भी डॉट है सबको मैच बच्चे सबको करवाना है इस तरह से। आप अगर इस तरह से अगर एक दो लाइन आप करवाएंगे ना तो मेरी गारंटी है बच्चा खुशी खुशी पूरी वर्कशीट खुद से करने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि बच्चों को कलर के साथ खेलना अच्छा लगता है। और नर्सरी क्लास जो होती है ना, वो खेल खेल का ही क्लास होता है, उसमें बच्चों को प्रेशर नहीं, खेल के साथ ही सिखाया जाता है, प्रेशर नहीं दिया जाता है। इस तरह से डॉट से डॉट बच्चा मैच करेगा और जो पिक्चर आएगा उसको देखकर बच्चा बहुत ही हैप्पी होगा। अब हम नेक्स्ट पिक्चर पर चलते हैं। सारी इसमें सिर्फ लाइन लाइन खींचने की, तो स्टार्टिंग में बच्चा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा खींचेगा तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। अब इसमें देखिए इतनी सारी लाइनें बनी हैं, तो बच्चों को हमें इसमें से आप वुडन वाली पेंसिल कलर भी लेकर आ सकते हैं, उस वो भी बच्चा बहुत अच्छे से करेगा। और उससे एक फ़ायदा आपको ये होगा कि बच्चा पेंसिल पकड़ना भी थोड़ा थोड़ा सीख जाएगा। जैसे आप ये डॉट है तो इसको डॉट को बच्चे को बोलिए ऐसे ऐसे डॉट को मिला। ये अम्ब्रेला है, उसके उसमें डॉट डाले हैं मैंने, डॉट को डॉट से मिलाना इस तरह से। जो पिक्चर जब सामने आएगी ना तो बच्चा बहुत खुश होगा, वो आपसे खुद बोलेगा कि मुझे ऐसी और भी वर्कशीट बना कर दो, मैं पेंसिल से कलर करूंगा। मैं खुद एक टीचर हूं और मैंने बच्चों का प्ले प्राइमरी सब मैंने करवाया है और मुझे पता है बच्चे को कैसे वर्कशीट बना कर दे कि बच्चा खुश होकर करेगा। इस तरह से कितना क्यूट सा अम्ब्रेला बना है। अब ये अम्ब्रेला जिस गर्ल्स के हाथ में उसकी जो पिक्चर बनी है उसकी अब फ्रॉक है, फ्रॉक में मैंने डॉट डाल रखा है, तो इस डॉट को भी अब उसे बच्चे को बोलिए डॉट डालना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से डॉट मिल गया, इस तरह से डॉट डॉट। अब देखिए कितनी अच्छी फ्रिल फ्रॉक की निकल के आएगी। मुझे इसीलिए बच्चों के साथ क्लास लेना अच्छा लगता है, बच्चों छोटे छोटे टॉडलर के साथ पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स रहती है। बच्चों को कलर कराओ, बच्चों को फ्लावर्स बना के सिखाओ, बच्चों को बटरफ्लाई बनाओ और खेल खेल में बच्चों को पढ़ाओ। बट हाँ, थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है, क्योंकि बड़े बच्चे तो आपकी बातें समझते, पर छोटे बच्चे जो होते हैं ना उन्हें प्यार से समझाना पड़ता है। वो अगर आप एक बार अगर उन्हें डांट दोगे ना तो दोबारा आपके पास आना नहीं चाहेंगे, यानी कि जब आएंगे नहीं तो पढ़ाई फिर कैसे करेंगे।
देखो इस तरह से बच्चे को डॉट डॉट मिलाना सिखाइए। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर कुछ स्टार बना रखे, उस पर भी हम बच्चे से भी लाइन कर डलवाएंगे। तो उसके लिए आपको वैक्स कलर लेना है, इसमें स्केच कलर मैंने लिया, अब यहाँ पर मैं वैक्स कलर लूँगी। पहले तो बच्चे को बोली कि स्टार को सारे कलर करो, अलग अलग कलर में स्टार को कलर करवाइए। चलिए सबसे पहले हम रेड कलर करवाते हैं, इस तरह से स्टार, एक स्टार कलर हो गया, इस तरह से कलर किया। अब नेक्स्ट कलर करेंगे हम ब्लू ले लेंगे, अब दूसरा स्टार हम करेंगे येलो कलर से, इसी तरह से हम आगे करते हैं ब्लू कलर से। इस तरह से स्टार कलर कर लिए। अब स्टार क्या है, स्टार के साइड साइड में डॉट डाला हुआ, ठीक है, डॉट को नीचे लटक रही जो फ्लावर है, छोटे छोटे फूल बने उससे मैच करना है। हम बाद में फूल को भी मैच करेंगे, पहले हम स्टार को, हम एक कलर इसके लिए डॉट के लिए एक कलर चूज करते हैं। चलिए अब करना शुरू करते हैं। अब जैसे डॉट है, बच्चे को क्रेंस पकड़ाइए और बोलिए डॉट को डॉट से मिलाओ। स्टार्टिंग बच्चे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो इतना परेशान नहीं होना है, इस तरह से ये मैच हो गया, ये सारी लाइनें इस तरह से बच्चे से मैच कराई। अब चलिए कल फ्लावर्स को भी कलर कर ही देते हैं। वर्कशीट थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और बच्चा खुद बोलेगा वाह मैंने इतना अच्छा कलर किया है। तो ये हुआ, अब हम, ये प्रैक्टिस तो हमारी होगी, अब हम, अब पढ़ाई की बात चली, ये तो प्ले प्ले में हमने सिखाया, अब हम बच्चों को प्रॉपर स्टैंडिंग लाइन करवाएंगे। ये देखिए लाइन खींचा हुआ है, अब लाइन को लाइन से मैच करना है। इसके लिए भी हम क्रेयॉन्स कलर का ही यूज करेंगे, ये डॉट है, डॉट को डॉट से मैच करना है, इस तरह से, इस तरह से। आपको लाइंस वाली प्रैक्टिस बुक भी मार्केट में मिल जाएगी, ज़्यादा महंगी नहीं, सस्ती वाली सी भी मिल जाएगी आपको, 50-60 रुपए की एक ठो आ जाती है ऐसी वाली, जिसमें थोड़े से पिक्चर भी बने रहते हैं और उसमें आपको डॉट डला हुआ। अगर आप खुद से वर्कशीट नहीं है तैयार कर सकते तो मार्केट से भी आप ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है ये सारी इस तरह की डॉट वाली। तो चलिए अगर आप शॉपकीपर को जाकर बोलेंगे हमें स्टैंडिंग लाइन, बच्चों को स्टार्टिंग पढ़ाई करने वाली कोई नोटबुक चाहिए, तो आपको इस तरह टाइप की आपको देंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या करना है, हमने तीसरा लिया है क्वेश्चन, ये इसमें हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में बटरफ्लाई बनाया और फ्लावर बनाया, बटरफ्लाई को फ्लावर के पास ले जाना है। तो यहाँ हमने डॉट डॉट डाल रखा है, ये पहले, इससे पहले हमने स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस कराई थी, अब ये स्लिपिंग लाइन की प्रैक्टिस है। तो इसमें बच्चे को डॉट से डॉट मैच करवाना है, आई होप उसमें आप पेंसिल ले सकते हैं। इस तरह से डॉट बच्चा मैच करते जाएगा, करते डॉट डॉट बच्चा चला गया, पहुँच गया वहाँ पर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इस बटरफ्लाई को भी हम पहुंचाते हैं फ्लावर के पास। बच्चा बहुत खुश होगा इस तरह से आप अगर करवाएंगे तो। ये होगी कंप्लीट। अब हम स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं, डॉट से डॉट को मैच करें, इस तरह से, इस तरह से। अब
प्रॉपर, ये तो हो गया फ्लैट ना कर बच्चे को खेल खेल में कराना, अब प्रॉपर बच्चों को स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस करवाते हैं। कभी भी अल्फाबेट अगर हम बच्चे को सिखाते तो डायरेक्टली हम ए नहीं सिखाते बच्चे को। कोई भी प्ले नर्सरी स्कूल की टीचर जो होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में बच्चे को पहले टी या एल ए से सिखाते हैं, क्योंकि सिंपल होता है और उसमें बच्चों को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस अच्छे से होती है। जैसे डॉट को डॉट से मैच किया और हो गई ना स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग स्टैंडिंग, इस तरह से। जब बच्चा ये इस तरह से कलर वाला कर ले तो आप उसको पेंसिल से भी आप डॉट देकर करवा सकते हैं, क्योंकि तब तक बच्चा हैबिचुएट हो जाएगा। इतना करने के बाद बच्चे को थोड़ी सी आदत सी पड़ जाएगी लिखने की। चलिए अब ये टी का हमने प्रैक्टिस करवाया, इसके बाद हम एल का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। स्टैंडिंग स्लीपिंग, स्टैंडिंग स्लीपिंग, स्टार्टिंग बच्चे को यहीं से लिखना सिखाया जाता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा ये वर्कशीट जो हमारी है प्ले और नर्सरी की मिक्स वर्कशीट है। चलिए यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। तो पेरेंट्स, आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारे पढ़ाने के का तरीका और वर्कशीट अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बच्चों, बाय पेरेंट्स।